हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ECR में एक नया एरर ऐड किया गया वो उसके बारे में, और वो अच्छा अपडेट्स भी है जिस वजह से आप जो गलतियां करते हैं उससे गलतियां नहीं हो पाएंगी। तो उस एरर के बारे में बात करेंगे, जो न्यू एरर आ रहे थे उसके बारे में उनके साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो ECR से रिलेटेड जो अपडेट आया वही है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ECR बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है PF के लिए भी, जो मेम्बर हैं उनके लिए भी, और आपके एक एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी। तो वो गलतियाँ ना हो, वो कैसे उन पर बचे, तो उसका पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी आप ECR फाइल करते हो कुछ ना कुछ आपको हर मंथली एरर आता होगा, तो उसमें जो एरर हैं वो कैलकुलेटेड अलग एरर होते हैं, जो और एरर है जिसमें आपको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एरर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। सबसे पहले जो इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट एरर आ रहे हैं जो लास्ट अप्रैल 21 से आने स्टार्ट हुए थे, वो आपको ऐसे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो आ रहा है एरर आधार नोट सीट अगेंस्ट यून फाउंड ऑन लाइन नंबर दिस। दोस्तों, आपको पता है ये लास्ट जून 21 से आने स्टार्ट हुआ था, तो वह अब फिर ये बीच में नहीं आ रहा था, फिर ये अप्रैल 22 से वापस आना स्टार्ट हो गया था। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपका जो भी मेम्बर के जो लाइन नंबर दे रखे हैं, तो इनकी UN के अंदर आधार KYC अपडेट नहीं है, वेरीफाई नहीं है, जिस वजह से आप इनका ECR फाइल नहीं कर सकते। पहले इनका नाम करेक्शन या इनके आधार वेरीफाई कीजिए, तभी आप इनका ECR फाइल कर सकते हो। ये तो मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया। तो सेकंड एरर आ रहा है, एरर एम्प्लॉय एज इज अबव 60 ईयर्स, EPS कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड फाउंड नंबर लाइन नंबर दिस। तो दोस्तों, ये जो सेकंड नंबर है, ये पहला जो न्यू अपडेट है कि इन्होंने अमेंडमेंट किया अपने ECR में कि जिसकी भी अगर 60 ईयर्स से अबव हो गई, आप उनका EPS कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं कर सकता। तो बहुत ही एक अच्छा अपडेट है, जिस वजह से जो ECR फाइल करते हैं गलतियां करते हैं वो अब नहीं हो पाएंगी। अगर आप जैसे मैनुअल करते हो सिस्टम, तो ऑटोमेटिक आपका EPS डिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन आप मैनुअल करते हो तो आपका डिडक्शन आप करते रहते हो। तो आप, क्योंकि आप एज का जो फॉर्मूला वो आप लगा नहीं पाते, जब ECR फाइल करते हो तो अपने जितने भी मेंबर्स हैं एक बार उनकी एज जरूर चेक करें कि वो 58 या 58 ईयर से अब नहीं हो गए। तो इसमें 58 का क्यों नहीं आया, रीजन ये है कि 58 का होने के बाद में आपको EPS डिडक्शन नहीं करना, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सटेंशन दे रखा है, जो एक्ट में हम आगे एक नया वीडियो आएगा जिसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे कि 58 ईयर के बाद में जो एक मेंबर होता है उसमें कौन कौन से हमें डिडक्शन करने हैं, कौन से एडमिन चार्ज होने, वो पूरा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये 60 ईयर्स का इन्होंने दिया है कि 60 ईयर के बाद में जो PF पोर्टल है वो आपका पेंशन अलाउ नहीं करेगा। तो 2 साल, वैसे तो 58 ईयर्स के बाद होना चाहिए, लेकिन ये 60 ईयर तक का करता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, जिस वजह से एक हम ECR फाइल करते टाइम जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं हो पाएगी, जिस वजह से PF मेम्बर को भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड, आपको पता है कि एरर मेंबर इज नोट पेंशन स्कीम्स EPS वेजेस शुड बी 0 फाउंड नंबर लाइन दिस। तो आपको पता है दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपकी जो आया था कि अगर आपकी जो मेंबर है ये उसका अगर इवन फर्स्ट टाइम बन रहा है, अगर उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 यानी 15,000 से ज़्यादा है, तो वो इस केस में वो पेंशन मेंबर नहीं बनेगा। तो इस केस में आपको कैसे करना है कि आपको इनको कैसे आप ECR को एरर को हटा के आप फाइल कर सकते हैं। तो सर, जो ऊपर वाला एरर है, ये जितने भी मेंबर हैं उन सबको आपको जो ECR आपने जो बनाई है, फॉर्मेट बनाया है, उससे हटाना है। बाकी जो ECR है जैसे 164 है, 771 और 7801, तो इसको कैसे आपको एरर हटाए। दोस्तों, सिंपल सा आपको है, आपको यहाँ पे जो लाइन नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, 1 2 3 4 पूरा यहाँ तक के लगे, यहाँ तक का ये हो गई हमारी ECR में लाइन नंबर। अब सबसे पहले जो ऊपर जितने भी हैं ये आप अपने हिसाब से रिमूव कर लेना, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है कि इनमें आपको जो कैलकुलेशन में आपको कैसे एडिटिंग करनी है वो आपको बताते हैं। फिर 164 इसमें आ गया, 164 ये हमारा 164 हो गया। तो उस केस में क्या करना है, उसकी EPS वैसे 0 कर देनी है, 0 हो गई, और फिर उसका जो EPS कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0 कर देना। अगर ये 0 यहाँ पे होगा तो आपको पता है कि एम्प्लॉय पार्ट जो यहाँ से 0 हुआ है वो आपका एम्प्लॉयर पार्ट में PF में चला जाएगा, तो पूरा ये अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये चेंजेस करना है। फिर आता है 7711, 7711, तो
तो ये मेंबर भी पेंशन मेंबर नहीं है, तो ईपीएस वजह जीरो हो जाएगी और यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर ये आपका इसमें कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। तो ऐसे आपको अपने ईसीआर में एडिट करके फिर इसको जो रो है इसको डिलीट कर देना और वापस उसको सेव करके टेक्स में कन्वर्ट करके आपको अपलोड कर देना। तो ऐसे आप अपने एरर को हटा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ईसीआर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन बनाते हैं तो पूरा आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो पूरा इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट।